अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भैया बताइए, आपने भी हड़ताल स्थगित करी है, क्या कुछ मामला है आपका? काफ़ी दिन से हड़ताल भी चल रही थी। देखिए, जो हमारा मामला है वो प्रदेश लेवल की जो हमारी हड़ताल चल रही थी, उस प्रदेश लेवल की हड़ताल पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा हुई है, वहाँ भी अधिकारी और नेताओं मंत्रियों से इनकी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि यार, आप पूरे प्रदेश में जो आपने हड़ताल कर रखी है उसको आप ना करते हुए हमें थोड़ा 2-4 दिन का समय दीजिए। हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला अगर देवास नगर निगम स्तर से तुम्हारी मांगे जो अगर होती है तो उसमें आप बैठ के महापौर जी और कमिश्नर साहब के साथ बैठ के संज्ञान करें और चर्चा करें। तो हमारी महापौर जी और कमिश्नर महोदय के साथ बैठ कर चर्चा हुई और उन्होंने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ पर जो अभी 60 से 65 पद जो रिक्त पड़े हैं उन रिक्त पदों को स्थायी किया जाएगा और 2016 तक के जो कर्मचारी हैं, जिस प्रकार से ग्वालियर नगर निगम और जबलपुर नगर निगम में लोगों को विनियमितीकरण का लाभ दिया है, हम भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत 2016 तक के कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ देंगे। कल से क्या सभी कर्मचारी अपने काम पर आ जाएंगे, लौट आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, शहर में नियमित रूप से सफाई होगी? बिल्कुल होगी। महापौर जी और कमिश्नर साहब ने जो हमें आश्वस्त किया है और परिवार का मानते हुए आश्वस्त किया है, उनके आश्वासन पे हमने ये हड़ताल को स्थगित किया है। कल से सभी कर्मचारी अपने अपने कार्य पर जाएंगे। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम रूपेश कल्याण है, जिला अध्यक्ष देवास। कर्मचारियों के जो पदाधिकारी और आए थे यहाँ पे और लगातार जो हड़ताल उनकी जारी भी है और चर्चा भी हुई है, क्या चर्चा हुई सर? हमारे सफाई मित्रों की हड़ताल पिछले 3 दिन से लगातार जारी है और ये राज्यव्यापी आंदोलन है इनका। ये केवल देवास नगर निगम का इश्यू नहीं है, फिर भी हमने यूनियन के नेताओं को बुलाकर उनसे बात करी, उनसे आग्रह करा है और उनको बोला है कि देवास नगर निगम से जुड़े जो इशू है उनको हम प्राथमिकता के आधार पर बात करेंगे और देवास नगर निगम स्तर पर जो इश्यू हम सुलझा सकते हैं उनको तत्काल निराकरण करेंगे, सुलझाएंगे। चूँकि देवास का सफाई मित्र भी हमारे परिवार का हिस्सा है और हम चाहते हैं कि स्ट्राइक खत्म हो और त्यौहार का समय है, इसमें लगातार देवास की सफाई व्यवस्था सुचारू चले, उसको लेकर हमने यूनियन के नेताओं से बात भी करी, आग्रह भी करा और उन्हें आश्वस्त भी करा है कि देवास नगर निगम से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको हम तत्काल निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे।